हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से ईद उल अजहा मुबारकबाद का ग्रुप पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से ईद उल अजहा मुबारकबाद का ग्रुप पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ईद उल अजहा PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एन ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रुप पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकन बना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लकी डिस्पोजल परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपने गांव का नाम या अपनी दुकान का नाम या अपने परिवार का नाम लिख के ये पोस्टर तैयार कर सकते हो। उसके लिए प्लस के बगल में जो आइकन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी लकी डिस्पोजल परिवार लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने परिवार का नाम अपडेट करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो ईद उल अजहा लिखा हुआ है और मुबारकबाद लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग नया फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, साथ ही कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी ईद उल अजहा लिखा हुआ है वहाँ पे अनलॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ए वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके कलर वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है, तो आप लोग को जो भी कलर पसंद हो उसे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वापस इसको लॉक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ग्रुप फोटो PNG लगा रखा है, साथ ही यहाँ पे एक और फोटो PNG लगा रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपना, अपने दोस्तों का, अपने गांव वाले को या अपने परिवार के लोगों का फोटो PNG लगा के अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों, आप लोग को प्लस के बगल में जो आइकन बना है वहाँ पे क्लिक करना रहेगा और जिस फोटो PNG को आप लोग चेंज करना चाहते हो उस PNG को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से हम लोग एक नई फ़ोटो PNG सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली मैं ले ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसको क्रॉप करके हमें जितना भी चाहिए उतना हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, उसके बाद दोस्तों इसका साइज छोटा कर देंगे जिससे सही जगह पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बिंदु पे क्लिक करके हमें इसे नीचे ले जाना है जिससे जो फ्रेम है ऊपर की साइड पे आ जाए।
देख सकते हो दोस्तों, फ्रेम ऊपर की साइड पे आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग बाकी के फ़ोटो पीएनजी भी चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ भी फ़ोटो पीएनजी चेंज कर सकते हैं, साथ ही हम लोग नीचे नाम भी लिख सकते हैं। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी नाम लिखा हुआ है वहाँ पर पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नाम अपडेट करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या पीएनजी सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।